हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना कि रूट टू को हम लोग इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूव करना कि रूट टू को इरेशनल नंबर हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा इसके बेसिक पे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, मेन हमारा जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, बाकी सारे इसी के क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अगर हम रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करें तो ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। टॉपिक भी हमारा मीन्स कि चैप्टर 10th का जो है रियल नंबर, उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, तो रियल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में तो एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि हमारे पास दो ही टाइप के नंबर हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई कोई नंबर हमारा इरेशनल है, अगर हमें ये बताना कि भाई वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको ये बता देते हैं कि वो रेशनल नहीं है। दैट मीन्स अगर रेशनल नहीं तो जाहिर सी बात वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि हमारे रियल नंबर दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्दर आगे इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो और टाइप के नंबर्स मिलेंगे, लेकिन अभी क्या है कि रियल नंबर सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से सीखा क्या कि भाई अगर कोई नंबर हमें इरेशनल बताना है तो हम उसको ये बता दें कि वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है दैट मीन्स कि वो हमारा इरेशनल है, और अगर कोई नंबर हमें रेशनल प्रूव करना है तो हम उसको ये प्रूव कर सकते हैं कि भाई वो इरेशनल नहीं है, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या है, रेशनल है। तो इसी थ्योरी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब देखो कह रहा कि भाई रूट टू इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते कि ये हमारा रेशनल है। ठीक है, दैट मीन्स कि रूट टू हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट अज्यूम रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि भाई रूट टू हमारा क्या है, वो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके आगे चलेंगे, क्योंकि भाई कोई नंबर अगर हमें प्रूव करना तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना होगा, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे भाई किसी के बारे में कुछ बताया जाए तो उसकी क्या क्या खासियत है, ये हम अगर प्रूव कर दें कि भाई हाँ इस पर्सन की ये खासियत है, तो हम मान सकते हैं कि ये पर्सन वही है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कि भाई रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो हम लोग प्रूव कर दें, उसी पे ये हमारा जो रूट टू है उसी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो कर रहा तब तो रेशनल है, अदरवाइज नहीं है रेशनल। कहने का मतलब कि अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा रूट टू, दैट मीन्स ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल नंबर हमेशा P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता है। ठीक है, तो P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, क्लियर। सेकंड पे आता है कि जो P एंड Q है, ठीक है, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन वन। ठीक है, कहने का मतलब कि जो P और Q है उसका वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फैक्टर नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम P और Q को फैक्टराइज करें तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, दैट मीन्स दोनों में फैक्टर्स वन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जो कि दोनों में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
थर्ड पे आता है, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि जो इसका p बाई q के फॉर्म में q है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर है, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थ्री प्रॉपर्टीज होती है, हमें रूट टू को इसी पे फॉलो कराना, अगर फॉलो होगा तो ये रैशनल नंबर है, अगर फॉलो नहीं होगा तो ये हमारा फिर रैशनल नंबर नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि ये फिर इरैशनल नंबर है। क्लियर, तो चलते हैं भाई, रूट टू है इसको हम क्या करेंगे, पहला कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट टू को इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब इसको हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू टू द होल स्क्वायर। क्लियर, अगर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट टू, सॉरी रूट टू का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारा 2 है और जो q है ये p स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, मान के चलते हैं मल्टीप्लाई है। और अगर भाई बात करें 4 है तो 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा जो 2 2 2 1 है ये 4 के फैक्टर्स हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि p स्क्वायर जो है उसके फैक्टर 2 हैं और q स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 को लेके चलेंगे तो ये कह सकते हैं कि भाई जो, अच्छा देखो एक चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं, जो भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे ये 2 इसका फैक्टर है तो 2 4 को डिवाइड करेगा, ये वाला 2 भी फैक्टर है 4 का तो 4 को डिवाइड करेगा, और 1 भी फैक्टर है तो ये 4 को डिवाइड होगा। मतलब किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अदर तरीके से देखें तो जो 4 है वो जिसके 4 के जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सभी से डिविजिबल होगा। क्लियर, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कि पी स्क्वायर का 2 फैक्टर है और पी स्क्वायर का क्यू स्क्वायर फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से भी डिविजिबल है और क्यू स्क्वायर से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, आप लोग ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। तो अब देखो पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई p जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर p जो है वो 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि p का भी फैक्टर 2 है। ठीक है, तो यहां लिख दो कि 2 इज द फैक्टर ऑफ p। ठीक है, पहला चीज यहां से मिल गया कि 2 भी p का फैक्टर है। आगे चले, ठीक है, अब ये चीज हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अगेन अब क्या करेंगे कि हम जो हमारा p है, ठीक है, p को लेट कर लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू, अब P का फैक्टर 2 है तो 2 के फॉर्म में कोई हम एक रियल नंबर लेट कर लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि भाई 2m। ठीक है, जहां m हमारा क्या है, वो भी एक रियल नंबर है, ये आप लोग लिख सकते हैं यहां पे, m इज अ रियल नंबर। क्लियर, यहां लिख लो वेयर m इज अ रियल नंबर। क्लियर, तो उसके बाद अब देखो यहां पे कि फिर से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाले टर्म का फिर से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम टू द होल स्क्वायर। यहां से ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पी स्क्वायर की जगह देखो हम लोग यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है,
तो हम पी स्क्वायर की जगह टू क्यू स्क्वायर पुट कर सकते हैं, वही कर लेते हैं। पी की जगह क्या हो जाएगा, ये टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर। यहाँ पे एम की जगह आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पी बाई क्यू मैंने लेट किया है, इसके अलावा कुछ भी अल्फ़ाबेट लेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ पे ये शो करना कि भाई वो जो अल्फ़ाबेट हमने लेट किया है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो टू से हम क्या कर सकते हैं, फोर को टू टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर, क्लियर। वही चीज़ फिर से कि भाई क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हैं, क्यू स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। टू भी क्यू स्क्वायर का फैक्टर और एम स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, क्योंकि टू इसका फैक्टर है तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर क्यू स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, टू से डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर। अब अगर टू से क्यू डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि टू इज द फैक्टर ऑफ, टू इज द फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब कहने का कि जो टू है वो क्यू का भी फैक्टर है, क्लियर। अब देखो यहां पे कि टू जो है हमारा पी का भी फैक्टर है और क्यू का भी फैक्टर है, लेकिन हमने क्या यहाँ पे लेट किया है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पी और क्यू का फैक्टर वन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि टू इज द फैक्टर ऑफ, इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, सो द कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नो अदर कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। भाई देखो, हमने लेट किया था पहले कि भाई ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में पी बाई क्यू का वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कह सकते हो कि जो भी हमने लेट किया उसके अपोजिट में हो गया, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है विरोधाभास, मैंने जो भी अज्यूम किया था वो नहीं, दूसरा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि भाई पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टू भी पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने रूट टू को रेशनल नंबर लेट किया था, तो यहां क्या हो जाएगा, द कॉन्ट्राडिक्ट अराइजेज व्हेन वी लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने रूट टू को रेशनल नंबर लेट किया है, सो या पे ये लिख सकते हो हेंस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। एक लाइन बीच में और लिख सकते हो कि हेंस रूट टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया कि भाई रूट टू हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम प्रोसेस हमारा रूट थ्री को भी करने में होता है, रूट फाइव को भी करने में होता है, मीन्स कि जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं सभी को हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज रूट टू को प्रूव कर लिया कि वो इरेशनल नंबर है और कैसे है, ये भी हमने पूरा प्रोसेस देख लिया, ठीक है। आप लोग रूट थ्री को इसी तरीके से प्रूव करेंगे, रूट फाइव को भी इसी तरीके से प्रूव करेंगे, रूट सेवन और रूट एट, देन उसके बाद रूट टेन, इस तरीके से जितना भी नंबर चाहें वो सारा प्रूव करते हुए जा सकते हैं। अगर आप लोग प्रूव कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, हम एक एक करके सारे नंबर्स को प्रूव करना बता देंगे कि कैसे प्रूव किया जाता। मैक्सिमम रूट सेवन या फिर रूट एट, रूट टेन, रूट फिफ्टीन तक मान के चलते हैं, बीच में जो भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं नंबर हैं उन सभी को हम लोग प्रूव कर लें, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। देन बाकी फिर उसके सम में आते हैं या फिर सबट्रैक्ट में आते हैं, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो वो सारे भी हम लोग करके फिर देखेंगे जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे।
ठीक है। वैसे रियल नंबर चैप्टर जो है हो सकता है कि कल से आप लोगों को वीडियोज उस पर मिलने लगे, रियल नंबर है, देन उसके बाद फिर आप लोगों का पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद है वन वेरिएबल वाला, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं कोशिश करूँगा पहले रियल नंबर का, देन उसके बाद फिर पॉलिनोमियल होगा, और उसके बाद हो सकता है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें पॉलिनोमियल के बाद, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे की क्लासेस देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में यही तक रखते हैं, बाकी अगर आप लोगों को ये प्रूव कराने का जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर कहीं भी डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों का जो भी डाउट है हम क्लियर कर देंगे, और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी क्लियर कर देंगे, क्लियर। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।